देख रहा हूँ, ये 12 तारीख की न्यूज़ है। 15,000 से अधिक प्रवासी को किया गया गिरफ्तार, रेसिडेंसी और लेबर लॉ के उल्लंघन का आरोप है। आप देख सकते हैं ये स्क्रीनशॉट है यहाँ पे। और सऊदी स्वास्थ्य मंत्री वैक्सीन का एक और डोज लेना काफ़ी नहीं, बूस्टर डोज लेने में ना करें लापरवाही। वैक्सीन का एक और डोज लेना काफ़ी नहीं है, सऊदी स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीन का एक और डोज लेना काफ़ी नहीं है। इसके लिए आपको वैक्सीन का दोनों डोज के साथ साथ बूस्टर डोज भी लेना ज़रूरी है। कोरोना वायरस के साथ साथ इसके वेरिएंट से भी बेहतर तरीके से बचाने हैं, शायद बताते चलें। बूस्टर डोज लेना का आपको कोरोना वायरस के साथ साथ इसके वेरिएंट से भी बेहतर तरीके से बचाने की शायद स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्विटर के माध्यम से बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर मोहम्मद अल ने कहा है कि बूस्टर डोज लेना आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इसीलिए वायरस से बेहतर सुरक्षा आपके लिए बूस्टर डोज लेना ज़रूरी है। ये आपके संक्रमण की संभावना को कम करता है। और ये 15,000 से अधिक प्रवासी को किया गया गिरफ्तार, रेसिडेंसी और लेबर लॉ के उल्लंघन का आरोप है। यानी कि वो लेबर लॉ के खिलाफ उल्लंघन किए उन लोगों को गिरफ्तार का वारंट है। 15,069 उल्लंघन करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया गया। सऊदी में एक अभियान के तहत उन लोगों पर नज़र रखी जा रही है जो लोग रेसिडेंसी वर्क और बॉर्डर सिक्योरिटी रेगुलेशंस का उल्लंघन कर रहे हैं। 2 से 8 दिसंबर के बीच 15,069 प्रवासी उल्लंघन करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 438 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो अवैध रूप से बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहे थे। बताते चले कि रेसिडेंसी इलाके 7,567 बॉर्डर सिक्योरिटी स्टेशंस के 5,600 और सऊदी लेबर लॉ का उल्लंघन करने वाले 1,502 प्रवासी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 438 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो अवैध रूप से बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहे थे। 15 साल तक की जेल हो सकती है। आंतरिक मंत्रालय ने यह भी कहा है कि प्रवासियों को ऐसी हरकत से बचना चाहिए। वहीं उन लोगों को भी चेतावनी दी गई है जो आरोपियों को मदद करते हैं।